हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 17 जनवरी। तो 17 जनवरी के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @GovernmentNaukri लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां से आप इसके PDF ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 16 जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको 2 टेस्ट दिए गए थे। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 17 जनवरी के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो कल का आपका टेस्ट है कि किसको TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तो उनका नाम है डैनियल कैलहन, जो कि हाल ही में TCS कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका सी। और दूसरा टेस्ट था आपका येस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो उनका नाम है ब्रह्मदत्त। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका ए। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 17 जनवरी के करंट अफेयर्स। और आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको 2 टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है मनु साहनी, जो कि हाल ही में ICC के नए CEO बने हैं। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दी ये है मनु साहनी। और प्रेजेंट में ICC के CEO कौन है, तो उनका नाम है डेविड रिचर्डसन की जगह लेंगे मनु साहनी। जब डेविड रिचर्डसन अपने पद से इस्तीफा दे देंगे उसके बाद मनु साहनी बनेंगे ICC के CEO। और जो मनु साहनी है ये अपना पदभार कब संभालेंगे, तो जुलाई 2019 में ये अपना पदभार संभालेंगे। जो ICC वर्ल्ड कप 2019 है वो जब फिनिश हो जाएंगे उसके बाद मनु साहनी अपना पदभार संभालेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको मनु साहनी जी के बारे में बताती हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मनु साहनी है ये इससे पहले सिंगापुर स्पोर्ट्स में, जो सिंगापुर स्पोर्ट्स हब है उसके पूर्व CEO और ESPN स्टार स्पोर्ट्स के MD रह चुके हैं। ESPN इसकी क्या फुल फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क, जिसके MD रह चुके हैं मनु साहनी। ICC के बारे में भी आपको नोट करना होगा, इस फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर दुबई में है। और इसके चेयरपर्सन है उनका नाम है शशांक मनोहर, और जो CEO है वो है डेव रिचर्डसन। और मैंने आपको बताया कि जो मनु साहनी है ये जुलाई में अपना पदभार संभालेंगे ना, तो प्रेजेंट में आपको डेव रिचर्डसन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के डी गुकेश भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। देखिए, जो डी गुकेश है ये तमिलनाडु के प्लेयर हैं, चेस प्लेयर हैं ये। इन्होंने हाल ही में जो युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब है वो जीता है, और ये हमारे भारत के सबसे युवा खिलाड़ी हैं ये ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले। इनकी उम्र आपको पता होना चाहिए, तो 12 वर्ष के हैं ये, जो आपको पिक्चर दिखाई दे ये हैं डी गुकेश। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे भारत के ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है, तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के ये दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं सबसे कम उम्र में। और जो डी गुकेश हैं ये भारत के 59th ग्रैंड मास्टर हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो डी गुकेश है ये दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, तो पहले कौन थे उनका नाम भी तो आपको पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए ही चाहे पता होना चाहिए पर पता होना चाहिए आपको। तो उनका नाम है सर जेई कजकिन, जो कि यूक्रेन के खिलाड़ी हैं, जो कि 2002 में इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था। अब क्योंकि ये तमिलनाडु के हैं तो तमिलनाडु के बारे में नोट कर लीजिए। यहाँ पर तमिलनाडु, कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं एडापड़ी के पालानीस्वामी, गवर्नर यानी कि राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18, विधानसभा सीट है 234। और जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वो है भारतनाट्यम, और जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
आज का अगला क्वेश्चन है पहली EMRS स्पोर्ट्स मीट 2019 का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो EMRS स्पोर्ट्स मीट 2019 का जो उद्घाटन है ये हैदराबाद में किया गया इसका उद्घाटन। सबसे पहले तो मैं आपको EMRS इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ, नोट कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और इस स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किसने किया हैदराबाद में, तो जसवंत सिंह सुमन भाई भाभोर ने इसका उद्घाटन किया। ये कौन है, तो ये हमारे जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री, ध्यान दीजिए यहाँ पर। और इसी के साथ साथ इस स्पोर्ट्स मीट के उद्घाटन के साथ साथ ही EMRS स्पोर्ट्स मीट ऐप का भी उद्घाटन किया गया, उसको भी लॉन्च किया गया। तो इतनी बड़ी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। आज का अगला क्वेश्चन है किसने फ्रेंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। उनका नाम है यू वेंशिंग, जिन्होंने हाल ही में फ्रेंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। यू वेंशिंग के बारे में आपको पता चलिए, देखिए जो यू वेंशिंग है ये चीन के वकील है, बट ये हाल ही में चीन सरकार की हिरासत में है। क्यों हिरासत में लिया गया इन्हें ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो चीन की कैपिटल है बीजिंग, वहां पर ज्यादा पोल्यूशन होने के कारण यू वेंशिंग ने जो बीजिंग सरकार है उन पर मुकदमा चला दिया था, जिसके कारण जो चीन सरकार है उन्होंने यू वेंशिंग को अपनी हिरासत में ले लिया है। बट इन्हें हाल ही में फ्रेंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार भी जीता है इन्होंने। और ये जो फ्रेंको जर्मन मानवाधिकार है ये फ्रांस और जर्मनी के द्वारा दिया जाता है, और ये जो अवार्ड है ये 2016 से दिया जा रहा है मानवाधिकार के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है किसने भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के रूप में इस्तीफा दे दिया है। तो उनका नाम है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। ये जो आपको पिक्चर दिखा रही है ये है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, जिन्होंने हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के रूप से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, इनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए हाल ही में जो हमारी भारतीय फुटबॉल टीम है ये बहरीन की टीम से 0-1 से हार गई है, और जो हमारी भारतीय टीम है ये जो फुटबॉल का एशिया कप होने वाला था उससे भी बाहर हो गई है, जिसके कारण जो हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कोच थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन है ये इससे पहले भी 2002 से लेकर 2005 तक हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मैसेडोनिया देश ने हाल ही में अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है। इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही लग गया होगा, मैसेडोनिया देश ने अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रख दिया है। मैसेडोनिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैसेडोनिया देश और उसकी कैपिटल है स्कोपचे, करेंसी है मैसेडोनियन दिनार, और प्रेसिडेंट है जॉर्ज लवानोव, और प्राइम मिनिस्टर है जोरान जीव। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मैसेडोनिया के बारे में नोट करनी है। अगला क्वेश्चन है भारत म्यांमार ने इंबेक्स 2018 और 19 युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ पर शुरू किया है। तो भारत और म्यांमार के बीच में हाल ही में एक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ जिसका नाम है इंबेक्स 2018 और 19, और इस युद्ध अभ्यास का जो दूसरा संस्करण है ये हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको इस युद्धाभ्यास का नाम ही याद रखना है। और ये युद्धाभ्यास क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए म्यांमार के दल को प्रशिक्षित करने के लिए इस युद्धाभ्यास को ऑर्गेनाइज किया गया हरियाणा में 2019 में। म्यांमार की स्टेट काउंसिल बहुत ही फेमस रही है पिछले दिनों, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो उनका नाम है आंग सान सू की। म्यांमार के बारे में नोट कीजिए। सबसे पहले हरियाणा के बारे में देखिए, यहाँ पर हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब की भी कैपिटल चंडीगढ़ है आप लोगों को बताया गया। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90, और हरियाणा का फोक डांस है रागनी, नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। म्यांमार, यहाँ पर है म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल है नायपिडो, म्यांमार की करेंसी है बर्मिश क्या, और म्यांमार के प्रेसिडेंट है विन मिंट। अगला क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है। तो हाल ही में पुडुचेरी की सरकार ने प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण और उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है। आप लोगों को बताया गया कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएं कौन सी होती है, जो सिर्फ एक बार यूज होती है उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्पोजल प्लेट्स, ग्लासेस और पानी की जो बोटल्स वगैरह होती हैं उसको कहते हैं एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएं।
पुडुचेरी कहाँ पर है ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जो मार्ग डेरिया आपको किया हुआ है यहाँ पर है पुडुचेरी, और पुडुचेरी के अंदर सिर्फ चार डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आपको याद रखनी है। पहला है यानाम, यहाँ पर है यानाम, और यहाँ पर है पोंडीचेरी जो कि पुडुचेरी की कैपिटल है, और तीसरा है क्रैकल जो कि यहाँ पर है, और चौथा है माहे। माहे के बारे में आपको इम्पोर्टेंट याद रखना होगा। देखिए जो माहे है, अगर आपके एग्जाम से पूछे जाए कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है माहे। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो मैं आपको बताती हूँ आपकी नॉलेज के लिए, तो सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ है जो कि गुजरात में। पुडुचेरी के बारे में भी बताती हूँ मैं, कैपिटल मैंने आपको बता दी पौंडीचेरी, और इसकी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है वी नारायण स्वामी, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की उनका नाम है किरण बेदी। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको पुडुचेरी के बारे में नोट करनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर मैंने आपको यही बताई कि सबसे छोटा जिला कौन सा है और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है MP, मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है। इस योजना के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो गरीब किसान है उनका जो लोन है 55 लाख रुपीज तक का जो लोन है वो माफ कर दिया जाएगा, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश के बारे में नोट करना होगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश। कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 230। और जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य वो है गिरिधर डांस, और जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वो है माधव नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो हाल ही में हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। अब ये 350 रुपए का सिक्का क्यों जारी किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर ये 350 रुपए का सिक्का जारी किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी की आप लोगों को पता ही होगा कि सिक्खों के 10वें गुरु हैं, और अगर पूछा जाए कि सिक्खों के पहले गुरु कौन है तो वह है गुरु नानक देव जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक का नाम बदलकर IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड कर दिया गया? इजी सा क्वेश्चन है ये भी, IDFC बैंक का नाम ही बदलकर IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। और आप लोगों को पता ही होगा कि दिसंबर 2018 में ही जो IDFC बैंक है और जो कैपिटल फर्स्ट बैंक लिमिटेड है इन दोनों का मर्जर हुआ था, और जो कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड बैंक था ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी जिसका मर्जर हो गया IDFC बैंक के साथ। और अब ये जो IDFC बैंक का नाम बदलकर IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड कर दिया गया, तो इसके जो CEO कौन है? तो IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के जो CEO और MD का नाम है वी वेदनाथन। आप लोगों को पता ही होगा कौन है, ये जो कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड कंपनी थी ना उसके संस्थापक थे। IDFC के बारे में नोट कीजिए, फुल फॉर्म है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, स्थापना हुई है इसकी अक्टूबर 2015 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। और इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनका नाम है राजीव लाल, और जो MD और CEO उनका नाम है वी वेदनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर माइकल अतियाह का निधन हो गया, आपको बताना है कि इन चारों में से किससे संबंधित थे? तो सर माइकल अतियाह ये एक गणितज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है सर माइकल अतियाह। इनकी एज आपको पता होनी चाहिए, तो 89 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है, और ये एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे। इनके बारे में और भी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, ये 1990 से लेकर 1995 तक रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे थे, और इन्हें गणित के क्षेत्र में फील्ड मेडल भी दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1966 में इन्हें फील्ड मेडल दिया गया था गणित में। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इनके बारे में नोट करनी थी, और ये थी आपके 17 जनवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे स्टडी मैंने आपको कहा था कि लास्ट में दो टेस्ट दिए जाएंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला मुक्केबाजी के मुख्य कोच का पदभार किसने संभाला है? इन चार ऑप्शन में से आपको अपना आंसर चूज करना है। दूसरा टेस्ट है, किस राज्य की सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया है? उस राज्य के नाम बताना है इन चार ऑप्शन से, राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको बतानी है, सब कंपल्सरी है ये। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।